Exile Tully. Exile Bishra. Exile Tully. Exile Bishra. Exile Tully. एक साथ सलूट करना है, ठीक है। सलूट करने के बाद हमारा जो हाथ ऊपर आएगा, हाथ ऊपर, तब हमें जरूर सर कर, ठीक है। और तुरंत हाथ को जरूर, ठीक है। एक साथ सलूट, एक साथ सलूट, एक साथ सलूट, एक साथ आगे बढ़ना है, समझ गए। उसके बाद यू
पर यूनिफॉर्म, सिक्योरिटी गार्ड हमेशा यूनिफॉर्म में होना चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड हमेशा यूनिफॉर्म में होना चाहिए, उसके शर्ट से ट्राउजर से शूज हमेशा साफ सुथरे रहने चाहिए, शूज हमेशा पॉलिश हुए होने चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड जेंट्स हमेशा शेविंग करना चाहिए, समझ गए, रोज के रोज ऊपर बाल हमेशा कम से कम होने चाहिए, समझ गए, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म हमेशा यूनिफॉर्म में रहना चाहिए। उसके बाद हाथ, हाथ फॉर रोबस्ट, जोर से बोलो, हाथ फॉर रोबस्ट, सिक्योरिटी गार्ड कैसा होना चाहिए, मजबूत रोबस्ट, मजबूत की तरह ड्यूटी करना चाहिए। हमारी ड्यूटी कितनी घंटे की होती है, 12 घंटे की, 12 घंटे में हम हमें मजबूत से ड्यूटी करना चाहिए, समझ गए, ओके, आर फॉर रोबस्ट, मजबूत मजबूत ड्यूटी करेंगे, समझ गए। उसके बाद आई फॉर इंटेलिजेंट, सिक्योरिटी गार्ड हमेशा इंटेलिजेंट होना चाहिए, अपने ड्यूटी के वक्त दिमाग से काम करना चाहिए, समझ गए, हमारे लिए ज़्यादा भला है आदमी रहेगा तो हम दिमाग से काम करेंगे, इंटेलिजेंट, कोई अनहोनी घटना घटती है तो दिमाग से काम करना चाहिए, अगर हमसे नहीं होता है तो हमारे सिक्योरिटी सुपरवाइजर, हमारे सिक्योरिटी ऑफिसर उनको बताना चाहिए, समझ गए, इंटेलिजेंट दिमाग से काम करना चाहिए। उसके बाद डी, डी फॉर ट्रेन, सिक्योरिटी गार्ड कैसा होना चाहिए, ट्रेन सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड हमेशा ट्रेनिंग लेके एक ट्रेन सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए, समझ गए। उसके बाद लास्ट अल्फाबेट क्या है, वाई, वाई फॉर यूथफुल, सिक्योरिटी गार्ड हमेशा कैसा होना चाहिए, यूथफुल जवान होना चाहिए, चाहे वो बूढ़ा हो फिर भी जवान की तरह काम करना चाहिए, जवान की तरह दौड़ना चाहिए, किसी चोर को पकड़ना है तो कैसे दौड़ोगे, जवान की तरह दौड़ लगाओगे और उसको पकड़ोगे, समझे, जवान की तरह काम करेंगे, पोस्ट में हमेशा बैठे नहीं रहेंगे, जवान की तरह काम करेंगे, पहरेदारी जैसे काम करेंगे, समझे, काफी नहीं रहेंगे, चारों तरफ देखेंगे, कोई हमें देख रहा है क्या, चोर हमेशा हम सबको देखते हैं और फिर चोरी करते हैं, उसी तरह सिक्योरिटी गार्ड को चारों तरफ देखना है, तीक्ष्ण नजर से देखना है, कोई भी कहीं से भी आ सकता है और गलत काम कर सकता है, समझ गए, ठीक है, उसी तरह हमें सिक्योरिटी गार्ड को ड्यूटी करना है, ठीक है। आज हम फिर से फायर एक्सटिंग्विशर, फायर हाइड्रेंट, होज रिल, कैनवास होज पाइप, ब्रांच पाइप, इस सबके बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है। फायर के कितने प्रकार हैं, कितने टाइप है, फायर के कितने प्रकार हैं, कितने टाइप है, पांच, ए बी सी डी और ई, समझ गए, कितने टाइप है, पांच टाइप है, जोर से बोलो, पांच टाइप है, ए टाइप, पहला टाइप में क्या आएगा, ए टाइप में साधारण आग, साधारण आग क्या आती है, साधारण आग आती है, उसमें क्या आएगा, प्लास्टिक, लकड़ा, कागज और फैब्रिक, यानी कपड़ा, कचरा, लकड़ा, प्लास्टिक, ये सब ए टाइप में आ जाएगा, यानी ए टाइप यानी जनरल फायर, साधारण आग, उसके लिए आपको ए टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर बुझाने के लिए यूज़ करना होगा, ए टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर हमें यूज़ करना होगा, समझ गए। उसके बाद में कौन सा टाइप है, बी टाइप, बी टाइप यानी कौन सी आग, बी टाइप यानी कौन सी, लिक्विड की आग, बी टाइप यानी लिक्विड की आग, लिक्विड कौन सा लिक्विड है, उसमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, समझ गए, केरोसिन यानी रॉकेट,
पेट्रोल डीजल केरोसिन उससे आग लगती है तो बी टाइप में गिनी जाएगी, समझ गए। बी टाइप के लिए हमको कौन सा बायो फ्यूचर यूज करना है, ये ए बी सी यहाँ पे लिखा गया है बी, समझ गए, ये बी और ये भी है बी और सी, समझ गए। तो बी टाइप के लिए तीनों के तीनों बायो फ्यूचर यूज कर सकते हैं, समझ गए। उसके बाद में कौन सा टाइप आएगा, बी के बाद सी, सी यानी कौन सी आग, गैस की आग, कौन सी आग, गैस, कौन से गैस है, होम गैस, घर में जो सिलेंडर होते हैं एचपी एचपी, समझ गए, बड़े बड़े कैंटीन में गैस होते हैं उसकी पाइपलाइन जाती है, अगर वहीं पे कहीं पे लीकेज होगा तो वहाँ पे अगर हीट आएगी तो क्या होगा, आग लगी है, गैस की आग लगी, समझ गए। तो उसके लिए हमारे पास ये सी टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर है, सी टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर, उससे हमको आग बुझाना है, समझ गए। उसके बाद डी टाइप, डी टाइप यानी मेटल की आग, मेटल की आग अगर लगती है, धातु को आग लगती है तो क्या होगा, हमें ड्राई केमिकल पाउडर से बुझाना होगा। डी टाइप यानी मेटल, मेटल धातु को लगी हुई आग यानी डी टाइप में गिनी जाएगी, समझ गए। उसके बाद ई टाइप, जोर से बोलो ई टाइप, इलेक्ट्रिकल फायर, इलेक्ट्रिकल फायर को आग लगती है तो हम किससे बुझाएंगे, फायर एक्सटिंग्विशर कौन सा है, इसमें बीसी यानी सीओ टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उससे हम बुझाएंगे, समझ गए, किससे हम बुझाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से बुझाएंगे, ठीक है। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, देखिए मैं फायर एक्सटिंग्विशर का एक प्रिंट निकाला है, आप देख सकते हो यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर है, क्या क्या बोला जाता है मैं आपको बताऊँ, ठीक है, दिख रहा है सबको, सबको दिख रहा है, अभी देखिए ये फायर एक्सटिंग्विशर है, इसमें प्लंबर बोलते हैं, ऊपर को क्या बोलते हैं, प्लंबर बोलते हैं, समझ गए, देख सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्लंबर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये है सेफ्टी क्लिप, क्या है, सेफ्टी क्लिप, उसके बाद में इसे क्या बोलेंगे, डिस्चार्ज ट्यूब, क्या बोलते हैं इसको, डिस्चार्ज, इसमें से हम लोग जब ये इसको ऑपरेट करेंगे तो डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। उसके बाद में ये डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक सीफन करके ट्यूब है, कौन सा है, सीफन करके ट्यूब है। उसके बाद में इसके अंदर एक कार्टेज होता है, क्या होता है, सीओ टू गैस का कार्टेज होता है, जिसके अंदर प्रेशर होता है, क्या होता है, सीओ टू गैस का कार्टेज होता है, क्या होता है, एक अंदर एक कार्टेज होता है सीओ टू गैस का, तो वो क्या करता है, प्रेशर दिया जाता है, उसके अंदर से पाउडर निकलती है, समझे, इसके अंदर डीसीपी पाउडर है, अंदर क्या है, डीसीपी पाउडर यानी ड्राई केमिकल पाउडर, उसके अंदर इंटरनल सिलेंडर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटरनल सिलेंडर, जिसमें सीओ टू गैस कार्टेज है, समझ गए। हम लोग जब भी ऑपरेट करेंगे तब ये सीओ टू गैस का कार्टेज, जब हम लीवर दबाएंगे, लीवर दबाने के बाद सीओ टू का कार्टेज फट जाएगा और उसके अंदर से गैस के थ्रू से पाउडर बाहर निकलेगी, यानी प्रेशर से पाउडर बाहर निकलेगी, समझ गए। और एक बात है, यहाँ पे ये एबीसी का फायर एक्सटिंग्विशर, कौन सा है, एबीसी का फायर एक्सटिंग्विशर, इसमें भी सेम है, सेफ्टी पिन है यहाँ पे, बराबर है, सेफ्टी पिन को आपको निकालना होता है जब भी हमको ऑपरेट करना है। ये होस कनेक्टर बोलते हैं, ये होस पाइप जो है, ये जो होस पाइप है इसको होस कनेक्टर बोलते हैं, यहाँ पे कनेक्ट होता है, ये पाइप अलग हो सकता है और ये कनेक्ट होता है, समझिए, तो इसको बोलते हैं होस कनेक्टर।
और इसके अंदर सीपर ट्यूब असेंबली, एक ट्यूब होती है जो ये होस पाइप के अंदर से गैस निकलती है और उसके अंदर से पाउडर निकलती है, समझ गए। और ये स्प्रे नोजल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इसके अंदर से पाउडर एक बाहर आएगी, प्रेशर से पाउडर बाहर आएगी, उसको क्या बोलते हैं, स्प्रे नोजल, समझ गए। और ये है ऑपरेटिंग लीवर, क्या है ये, ऑपरेटिंग लीवर, जिसको आप लोग स्विच करना है, रहता है क्या करना है, दबाना होता है। ये एक प्रेशर गेज है, देखो हमेशा ये प्रेशर गेज कहाँ पे होना चाहिए, ग्रीन पे होना चाहिए, कहाँ पे होना चाहिए, जोर से बोलो, ग्रीन पे होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में हमको जानकारी मिल गई है, सबको समझ में आया क्या। ये फायर एक्सटिंग्विशर है, एबीसी टाइप है, ये बीसी टाइप है, अलग से ऑपरेट करना होता है, समझ गया। और ये CO2 अलग से वॉल को ओपन करके ऑपरेट करना होता है, और इसको प्रेशर देख के ऑपरेट करना होता है, क्या करना होता है, प्रेशर देख के ऑपरेट करना होता है। ठीक है, अभी हम फायर के बारे में जानकारी लेंगे, फायर कैसे होता है, समझ गए, फायर कैसे होता है, ट्रायंगल, फायर एक क्या है, ट्रायंगल है, क्या है, ट्रायंगल है, त्रिकोण है, फायर एक त्रिकोण है, तीन किलो चीज एक साथ गिरती है तो आग लगती है, तो कौन से तीनों चीज है, कौन से तीनों चीजें, ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट, ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट, ये तीनों एक साथ मिलते हैं तो आग लगती है, तीनों में से एक ऑक्सीजन कट हुआ तो क्या होगा, आग नहीं लगेगी, आग बुझ जाएगी, तीनों में से ऑक्सीजन कट हुआ तो आग बुझ जाएगी। उसके बाद में अगर तीनों ऑक्सीजन है, हीट है, अगर फ्यूल नहीं है तो आग लगेगी क्या, आग बुझेगी, आग बुझेगी, अगर फ्यूल नहीं है तो आग बुझेगी। उसके बाद में हीट, ऑक्सीजन है और फ्यूल है, अगर हीट नहीं है तो आग लगेगी, आग आग नहीं लगेगी, आग बुझ जाएगी। ठीक है, ये तीनों चीजें हैं, हीट है, फ्यूल है, ऑक्सीजन है, तीनों चीज एक साथ मिलते हैं तो ये आग लगती है, मगर हर एक चीज को बुझाने के लिए एक प्रक्रिया है, क्या है, हीट को बुझाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए हमको, कूलिंग, हीट की ऑपोजिट कूलिंग होता है, आग लगी है, हीट है, हम लोग उसके ऊपर पानी डालेंगे, क्या होगा, ठंडा हो जाएगा, आग बुझ जाएगी, यानी हीट को हम लोग क्या कर दिया, कूलिंग कर दिया, आग बुझ गई, समझ गए। उसके बाद दूसरा क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हमको कट करना है, जैसे हीट को हमने कट कर दिया, कूलिंग कर दिया, आग बुझ गई, वैसे ऑक्सीजन को हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, ब्लैंकेटिंग, ऑक्सीजन को जोर से बोलो, क्या करेंगे, ब्लैंकेटिंग करेंगे, स्मूदरिंग करेंगे, बोलते हैं दो शब्द है, ब्लैंकेटिंग और स्मूदरिंग, समझ गए, क्या करेंगे, ऑक्सीजन को ब्लैंकेटिंग करेंगे तो आग बुझेगी, ऑक्सीजन के ऊपर ब्लैंकेट, ब्लैंकेट डालेंगे, आग बुझ गई, ऑक्सीजन कट हुआ, ऑक्सीजन कट, ये आपका फायर एक्सटिंग्विशर, हम लोग आग लगी है, फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करेंगे तो क्या होगा, ब्लैंकेटिंग होगा, पाउडर उसके ऊपर आ जाएगी, तो क्या हुआ, एक ब्लैंकेट तैयार हो गया, क्या हो गया, एक पाउडर का ब्लैंकेट हो गया, तैयार हो गया उसके ऊपर, तो क्या होगा, ब्लैंकेटिंग बोल रहे उसको, ऑक्सीजन कट हुआ, समझ गए, ऑक्सीजन कट हुआ, हीट को कूलिंग कर दिया, और फ्यूल, फ्यूल को कट करना है, क्या करेंगे, फ्यूल यानी सामग्री, जहाँ पे आग लगी है, जिसको पकड़ के आग लगी है, तो क्या करना है उसको, उसको स्टार्वेशन, क्या बोलते हैं, जो सामग्री है उसको हटाना है, जिसको आग लगी है उसके आजू बाजू में जो सामग्री है, जिसको और आग लग सकती है, पकड़ सकती है,
करते हैं तो उसको हम लोग क्या करेंगे, साइड में करेंगे। तो आग, आग नहीं लगेगी, आग बुझ जाएगी। जितनी आग लगी है उसको आपको बुझाना होता है, यानी आग को आग का रोकथाम करना है, समझ गए। अगर भैंस की आग लगी है, जहाँ से भैंस निकलता है उसका वॉल अगर हम लोग बंद करेंगे तो क्या होगा, जो सप्लाई है वो बंद होगा। इलेक्ट्रिसिटी की आग लगी है, हम लोग ने सप्लाई बंद कर दिया, जितनी आग लगी है उसको हमको बुझाना होता है। क्या और करना होता है, बुझाना होता है, समझ गए। तो हम लोग को क्या करना है, फ्यूल को स्टार्वेशन, पहले आग को रोको, आग बढ़ने से रोको और फिर बाद में उसको बुझाओ, समझ गए। हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन, हीट के लिए हम लोग को क्या करना है, अगर कट करना है हीट को तो कुलिंग करेंगे, क्या करेंगे, जोर से बोलो, हीट को कुलिंग करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद में ऑक्सीजन को स्मूदरिंग करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, कट करना है तो ब्लैंकेटिंग करेंगे, स्मूदरिंग करेंगे। उसके बाद फिर फ्यूल को क्या करेंगे, स्टार्वेशन यानी सामग्री को बाहर निकालेंगे, बाजू में करेंगे, समझ गए। ये तीनों अगर एक साथ मिलते हैं तो आग लगती है, आपको तीनों को अलग करना है, एक तीनों में से एक को भी अलग कर दिया तो क्या होगा, आग बुझेगी, समझ गए। अभी ये तीन चीजें हमारे पास, ये फायर एक्सटिंग्विशर, आग लग गई है, समझ गए, आग लग गई, आपको उसको फायर एक्सटिंग्विशर को ये यूज करना है। कैसे करेंगे हम लोग, कौन सा मेथड है हमारे पास, कौन सा मेथड है, पास का मेथड है, पास, पी ए डबल एस, पास का स्पेलिंग क्या है, पी ए डबल एस, यानी चार अल्फाबेट है, कितने, चार अल्फाबेट है, पी ए एस और एस डबल एस, समझ गए, पास, पास के मेथड से हमको आग बुझाना है, मगर हम लोग को फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना है, समझ गए। ये फायर एक्सटिंग्विशर हमको क्या करना है, यूज करना है बिफोर। अभी देखिए यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर है, सेफ्टी के लिए, सेफ्टी के लिए पिन रखी हुई है, सेफ्टी के लिए, समझ गए। इसको क्या करना है, बिफोर पुल द पिन, ये पिन को हमको निकालना है, सील तोड़ के ये पिन को हमको निकालना है। उसके बाद, उसके बाद जहाँ पे आग लगी है, एम द बेस ऑफ फायर, एम द बेस ऑफ फायर, जहाँ पे आग लगी है उसके बेस को हमको क्या करना है, निशाना लगाना है। एम क्या करना है, पहले पुल द पिन, उसके बाद में एम द बेस ऑफ फायर, समझ गए। यहाँ पे आग लगी है उसके ज्वाला ऊपर तक गए रहेंगे, हम लोग ऊपर तक हमको एम नहीं करना है, हमको नीचे बेस पे, बेस पे निशाना लगाना है, समझे। उसके बाद में तीसरा अल्फाबेट क्या है, स्क्वीज यानी स्क्वीज द लीवर, क्या करना है, जोर से बोलिए, स्क्वीज द लीवर, हमको क्या करना है, इस लीवर को दबाना है, प्रेस करना है, स्क्वीज द लीवर, मगर उसके पहले अगर लीवर पहले दबा दिया तो क्या होगा, निशाना नहीं लगाएगा। तो इसके लिए, निशाना के लिए हमारा हेप हमेशा रेडी होना चाहिए। हम लोग ऐसे करके दबा देंगे, पुल द पिन किया, हम लोग पहले स्विच नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि पिन है अंदर, पिन को निकालना है। पहला पुल द पिन, फिर एम द बेस ऑफ फायर, जहाँ पे आग लगी है, पांच फुट हमको पीछे खड़ा रह के इसको निशाना लगाना है, और स्विच द लीवर, क्या करना है, लीवर को प्रेस करना है। अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लीवर नहीं है, हमको इसको प्रेस करना है, दबाना है, पिन को खींचना है, क्या करना है, पुल द पिन, ये हमारा बीसी का फायर एक्सटिंग्विशर है, तो इसमें ये नहीं है, लीवर नहीं है, तो इसको आपको प्रेस करना है। इसके अंदर जो कार्टेज है, CO2 गैस है, गैस के प्रेशर से ये पाउडर बाहर निकलेगी, समझ गए। तो इसको हमको क्या करना है, पुल द पिन, एम द बेस ऑफ फायर, इसमें भी एम द बेस ऑफ फायर आएगा, समझ गए, और उसके बाद में आपको इसको प्रेस करना है, यानी स्क्वीज करना है, दबाना है, इसको दबाना है,
समझिए, इसको दबाने के बाद इसके अंदर का कार्टेज बढ़ जाएगा और प्रेशर से पाउडर बाहर निकलेगा, समझिए। और फिर बाद में चौथा अल्फाबेट क्या है? एस, वापस एस है। तो क्या करना है? स्वीप, स्वीप करना है, दाएं बाएं स्वीप, साइड बाय साइड, समझिए। एक ही जगह पे नहीं मारना है, तो दाएं बाएं दोनों तरफ हमको ये होस पाइप जो है वो घुमाना है, समझ गए? मेथड समझ में आया? कौन सा मेथड है? पास, जोर से बोलिए, सबको बोलना है, पास का मेथड है। कौन सा मेथड है? पास का मेथड। पास के मेथड कैसे यूज करेंगे? पास के मेथड से यूज करेंगे। पहला अक्षर पी, पी फॉर पुल, पुल द पिन, जोर से बोलिए, पुल द पिन। दूसरा अल्फाबेट क्या है? एम, एम द बेस ऑफ फायर। तीसरा अक्षर क्या है? एस, एस फॉर स्क्वीज द लीवर, लीवर को दबाना है, यहाँ पे प्रेस करना है, यहाँ पे वॉल ओपन करना है। ये वॉल है, ये CO2 गैस है, इसके अंदर इसको हम लोग क्या करेंगे? ओपन करेंगे, समझिए, राउंड का क्लॉक बोलते हैं उसको, ओपन करेंगे। स्क्वीज द लीवर, समझ गए, स्क्वीज द लीवर। उसके बाद में एस, एस फॉर साइड बाय साइड, दाएं बाएं हमको उस पाइप जो है ये घुमाना है, समझिए, दाएं बाएं घुमाना है। ये मेथड से हम लोग आग बुझाएंगे। अगर आग यहाँ पे लगी है, हवा की दिशा वहां से यहाँ पे आ रही है, तो क्या करेंगे? वहां से यहाँ मारेंगे कि यहाँ से मारेंगे? हवा का झोंका वहां से आ रहा है और हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, आग बुझाएंगे, कैसे बुझाएंगे? हवा के साइड में खड़े रहेंगे, बराबर है, तो हवा वहां से आ रही है और हमारा हुआ पाउडर यहाँ पे आएगा, तो क्या होगा? हमारे आंखों पे आ जाएगा, समझिए, तो आग हम लोग बुझा नहीं पाएंगे। हवा के दिशा की जानकारी हमको लेनी चाहिए, समझिए, जहाँ पे आग लगी है, आग बुझाने के लिए हवा की दिशा वहाँ से है, तो वहीं से ही हमको आग बुझाना है, यहाँ पे से ही बुझाना है। हवा यहाँ से आ रही है, यहाँ से बुझाएंगे तो हवा वहाँ पे पास होगी, पाउडर वहाँ जाएगी, समझिए। अगर हवा यहाँ से आ रही है, हम लोग यहाँ से बुझाने गए, तो क्या होगा? हमारे ऊपर ही पाउडर आएगा, हमारे शरीर के ऊपर पाउडर आएगा, ठीक है, समझ गए कि फायर एक्सटिंग्विशर कैसे यूज करना है, ठीक है। अभी हम आपको ये स्मोक डिटेक्टर, आग पहले लगती है तब हमको कैसे पता चलता है? आग जब लगती है तब हमको कैसे पता चलता है? हम लोग मॉल में ड्यूटी कर रहे हैं, बराबर, मॉल में ड्यूटी कर रहे हैं, तो हर फ्लोर पे ये स्मोक डिटेक्टर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ रहता है? इसको बोलते देख लगती है, स्मोक डिटेक्टर देखा आपने कभी? मॉल में हर जगह पे स्मोक डिटेक्टर लगे हुए हैं, हम लोग हर जगह पे नहीं है, सिक्योरिटी हर जगह पे नहीं है, मगर ये डिवाइस हर जगह पे, हर फ्लोर पे लगे हुए, हर शॉप पे लगे हुए हैं। जिन्होंने बिठाया है तो इसका इस्तेमाल करने के लिए कि हमको पता चले, क्या पता चलेगा हमको? अगर कोई भी धुआं धुआं इसके अंदर चला गया तो क्या होगा? यहाँ पे दो लाइट है, देख लीजिए आप, यहाँ पे दो लाइट अगर ब्लिंकिंग करती है तो ये चालू स्थिति में क्या है? चालू स्थिति में, ये स्मोक डिटेक्टर चालू स्थिति में है और इसके अंदर अगर धुआं गया क्या होगा? ब्लिंकिंग करना बंद कर देगा और पूरी तरह लाइट चालू स्थिति में रहेगी, समझ गए? तो ये स्मोक डिटेक्टर का ये पैनल है, क्या है? ये पैनल है, समझ गए? ये स्मोक डिटेक्टर का ये पैनल है, ये स्मोक डिटेक्टर का पैनल है, समझ गए? ये स्मोक डिटेक्टर और MCP का मैनुअल कॉल पॉइंट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको? मैनुअल कॉल पॉइंट, देखिए ये मैनुअल कॉल पॉइंट है, फायर दिखाया गया, ब्रेक ग्लास, हमको ग्लास को ब्रेक करके कॉल करना है, यानी कोई भी अगर बंदा है वहाँ पे, और जिनको जरूरत है सिक्योरिटी की, बराबर है,
आग लगी है, कोई हादसा हुआ है तो कौन करेगा, क्या करेगा ये, इसको फायर को फायर के यहाँ पे ब्रेक करेगा, ब्रेक लास्ट को ब्रेक।